राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए काफ़ी मशहूर है, जैसे आमेर का किला, हवा महल, जंतर मंतर। मगर केवल ये इमारतें ही नहीं, जयपुर गढ़ है एक बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत कला हैंडब्लॉक प्रिंटिंग का। हैंडब्लॉक प्रिंटिंग यानी कपड़ों पर लकड़ी के सांचों से चित्र और पैटर्न छापने की कला। जयपुर के एक छोटे से इलाके सांगानेर में मौजूद है कई सारी हैंडब्लॉक प्रिंटिंग फैक्ट्रीज, जहां हजारों कारीगर इस अद्वितीय कला को कलाकृति में परिवर्तित करते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसी ही एक हैंडब्लॉक प्रिंटिंग फैक्ट्री में, जहां हम देखेंगे कैसे ये लकड़ी के टुकड़े साधारण सूती कपड़े को रंगों से नया जीवन प्रदान करते हैं। हैंडब्लॉक प्रिंटिंग या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत 3वीं शताब्दी के दौरान चाइना में हुई। ये प्रिंटिंग की सबसे पुरानी तकनीक है। ये 10वीं शताब्दी के आसपास भारत में आई। राजस्थान के शासकों ने इसे बेहद पसंद किया और इसे अपने तौर तरीकों और संस्कृति के अनुसार ढाला। जयपुर की सांगानेरी हैंडब्लॉक प्रिंट इंडस्ट्री दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और इसका लाखों करोड़ों का माल एक्सपोर्ट किया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा, वैसे वैसे मशीनों द्वारा सस्ती पोशाकें बहुत कम समय में बनाई जाने लगी। इसी के कारण हैंडब्लॉक प्रिंट इंडस्ट्री के शान और शौकत में थोड़ी गिरावट जरूर आई। आज हम लोग आए हैं मंशा क्रिएशंस, जहाँ के कारीगरों ने हमारी धरोहर को अभी तक जीवित रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मंजरी जी, जो इस मंशा क्रिएशंस की ओनर है। स्वागत है मैम हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए मैम हमको बताएगी हैंडब्लॉक प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस। नमस्ते, वेलकम टू मंशा क्रिएशंस। लकड़ी से छापों द्वारा हाथ से होने वाली छपाई, ये कहलाती है हैंडब्लॉक प्रिंटिंग। सांगानेर के अंदर लगभग 100 सालों से चली आ रही इस कला को ठप्पा छपाई भी कहते हैं। इसमें लकड़ी द्वारा बने हुए ब्लॉक से कपड़ों पर छपाई होती है। हैंडब्लॉक प्रिंटिंग की सबसे अहम कड़ी है ये वुडन ब्लॉक्स। ये वुडन यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं तरह तरह के डिजाइन और पैटर्न के वुडन ब्लॉक्स। आइए मंजरी मैम से जानते हैं कि इन वुडन ब्लॉक्स को बनाने में कितना स्किल, कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। वुडन ब्लॉक्स की कार्विंग एक परंपरागत कला है। जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं, वो इस काम में पारंगत हैं। अच्छा। बच्चे बहुत छोटी सी उम्र से, लगभग 10 से 12 साल की उम्र में ही धीरे धीरे औजार चलाना सीखने लगते हैं। बारीक लोहे की औजार जिसको ये लोग चलाना सीखते हैं, उनसे लकड़ी छीलना, डिज़ाइन के अलावा एक्स्ट्रा लकड़ी को कार्व करना, ये इनकी बेसिक शुरुआत होती है। अच्छा, तो मतलब ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं ये लकड़ी से कार्व, मतलब ये लोहे और औजारों से कार्व किए जाते हैं हाथों से बकायदा, ये मशीनों से नहीं बनते। मशीनों का कोई योगदान नहीं, ये पूर्णतः हाथ से किया जाने वाला काम है। तो इसमें एक वुडन ब्लॉक बनाने में समय कितना लगता है? छपाई के लिए काम में आने वाले जो ब्लॉक्स हैं वो निर्भर करते हैं कि हमारी डिजाइन में कलर कितने हैं। हमारी डिज़ाइन जितने कलर की होंगी उतने ही उसके ब्लॉक बनेंगे। अच्छा। यदि हमारा फाइनल प्रिंट 4 कलर का है तो हमें 4 अलग अलग कलर के लिए 4 अलग अलग ब्लॉक्स बनाने होंगे। ये एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इस प्रिंट के अंदर 4 तरीके के कलर यूज़ हुए हुए हैं। चारों कलर के लिए हमारे पास अलग अलग ब्लॉक है। ब्लॉक प्रिंटिंग करते वक्त जो डिज़ाइन हमें लेनी है उसके अंदर जितने कलर यूज़ होने हैं उतने तरीके के ब्लॉक अलग अलग बनते हैं।
जरा देखिए इन वुडन ब्लॉक्स पे कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। इन वुडन ब्लॉक्स को बनाने में करीबन महीनों का समय लग जाता है। हुनरमंद कारीगर इसे अपने लोहे के औजारों से खुद खोदते हैं, तभी ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे तैयार होता है। हमारे साथ मौजूद है राहुल जी, जो इस फैक्ट्री में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले कलर बनाते हैं। स्वागत है राहुल जी आपका हमारे चैनल में। हेलो सर, अब आप देखिए ये कलर कैसे बनता है हैंड ब्लॉक प्रिंट का। अपन बना रहे ब्लैक कलर, देखिए ये क्या है, फिक्सर। फिक्सर ये केमिकल का है, इससे कपड़े पे फास्टनेस आती है। फिक्सर डाल दिए, इसके बाद में अपन ब्लैक लेंगे, ब्लैक कलर लेंगे। जी ठीक है, अब इसमें इसमें डालेंगे। तो भैया ने इसके अंदर बाइंडर में डाला है फिक्सर जी, और उसमें डाला है काला कलर। तो भैया ये रंग जो आप मिला रहे हैं काले रंग, काला रंग जो आप मिला रहे हैं, ये कहाँ से बनता है सर? ये रेडी मिलता है, रेडीमेड जो जी है। यहाँ पर हमारे साथ हैं राहुल भैया जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। इन राहुल भैया के पास देखिए ये वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का साँचा है जिसपे एक पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है। इस लकड़ी के ब्लॉक को ये डाई में डुबोते हैं और फिर इस पे छापते हैं, इससे जो वुडन ब्लॉक का पैटर्न है वो इस कपड़े पर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक वाइट फैब्रिक है जिसपे ऐसे पेड़ों वाला पैटर्न बना हुआ है। यहाँ हमारे कारीगर भैया इसके अंदर पैटर्न छाप रहे हैं। इन्होंने बताया कि अभी इसमें दो और डिजाइन अंदर छपेंगे, फिर ये तैयार होगा। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत समय लगता है। आप जैसे देख रहे हैं ये एक वाइट कपड़ा था जिसपे एक ही डिजाइन प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ हमारे दूसरे कारीगर इस पे दूसरा रंग और दूसरी डिजाइन प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ हमारे तीसरे कारीगर यहाँ तीसरी डिजाइन और तीसरा रंग प्रिंट कर रहे हैं। जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इन कपड़ों को सुखाया जाता है और इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, जो फिर आगे स्टिच होके बाजारों में बिकता है। यहाँ पर चल रही है हमारी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ गोवर्धन जी। गोवर्धन जी लगभग 50 साल से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं। आइए इनसे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुभव जानते हैं। हाँ जी, मैं करीबन 15 साल से छपाई कर रहा हूँ। अच्छा। मैं हाँ अब 50 साल का हो गया हूँ, तो मैं ये हमारा खानदानी धंधा है साहब, और इसका मुझे बहुत धंधा है। हमारा पूरा परिवार इसी का काम करता है, यही काम करता है छपाई का। तो गोवर्धन जी ये बता रहे हैं कि ये काम इनके पुश्तों से चला आ रहा है, इनके दादा परदादा सब यही काम करते थे और ये भी बचपन से यही काम कर रहे हैं। गोवर्धन जी, आपने इन 50 सालों के अपने करियर में ये हैंडब्लॉक प्रिंटिंग में क्या क्या बदलाव देखे हैं? हाँ वो देखो, ये तो तेजी मंदी तो आती रहती है, पर इसमें पूरा खानदान हमारा चलता रहता है और ये काम हमारा पूरा परिवार करता है इसको। तो आपको गर्व होता है कि आप एक हैंडब्लॉक प्रिंटर कहलवाते हैं? ये हैंडब्लॉक इससे इसका तो नाम होता है सब देश विदेश में कि ये हैंडब्लॉक का काम होता है। बिल्कुल सही बात है, गोवर्धन जी जैसे कारीगर ही हमारी इस प्राचीन कला को आज भी जीवित रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए साहब, धन्यवाद। आइए देखते हैं कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स विच आर रेडी टू सेल। मैम हमें बताइए कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ये कौन कौन से, आप क्या क्या यहाँ पे बनाते हैं सूट्स अलग अलग चीज़ें? ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो अब बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये मेरा पूरा होम फर्निशिंग्स का कलेक्शन है, जिसमें हमारे पास कुशन कवर्स, बेडशीट्स, टेबल कवर्स, मैट्स, नैपकिन्स सभी चीज़ें हैं। एंड ये मेरा गारमेंट सेक्शन है। ओके, गारमेंट सेक्शन में हम लोग कुर्तीज एंड सूट्स बनाते हैं। हमने पूरी फैक्ट्री घूमी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में जाना, तो आइए जानते हैं कि जो फिनिश गुड्स हैं इनकी मार्केटिंग कैसे होती है। जो हमारे फिनिश गुड्स हैं इनकी नो डाउट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट हम लोग एक्सपोर्ट का काम नहीं करते हैं। हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो एक डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है। मेरे गुड्स की फ़ोटोशूट करके मैं मेरे क्लाइंट्स को भेजती हूँ, उसके बेस पे मुझे आगे से ऑर्डर्स मिलते हैं।
कुछ हम लोग एक्चुअल सैंपल्स क्लाइंट को भेजते हैं, तो सैंपल्स एंड फोटोशूट इन सब के बिहाफ पे क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट हमें देता है, उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो COVID-19 जैसी ये जो महामारी आई है, तो इससे इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ा है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, COVID-19 से इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में कपड़ा जो है वो एक ऐसी नेसेसिटी किसी के लिए भी नहीं रह गई है कि उसके पास नहीं है और उसे रोज़ लेना है। आज के ज़माने में एज अ हॉबी कह लीजिए या नो रीज़न शॉपिंग इतनी ज़्यादा होती है कि सबके पास कपड़े बहुत होते हैं। COVID-19 के बाद लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें अपनी शॉपिंग रोक के सेविंग पे फोकस करना चाहिए। लोगों का मूवमेंट घर से बाहर बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो गया, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, जॉब्स हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो लोगों की कपड़े की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो गई है। इस वजह से इंडस्ट्री को बहुत सारा सेटबैक झेलना पड़ रहा है। मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि एक ट्रेडिशनल वर्क है, सदियों से चला आ रहा है, तो इसकी करंट डिमांड कितनी है और आगे इसका फ्यूचर में स्कोप क्या होगा? ब्लॉक प्रिंट एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बहुत ही ओरिजिनल और ऑथेंटिक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल, जो लोग हुनर को पहचानते हैं, आर्ट की कदर करते हैं, वो हमेशा से इसके प्रति बहुत लगाव रखते हैं। थोड़ा सा ये महंगा ज़रूर है कंपेयर टू मशीन मेड गुड्स, बट जिन लोगों की इसके प्रति लाइकिंग है वो हमेशा से इसे पसंद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये एक अलग बात है कि दिन पर दिन इसके अंदर चैलेंजेस नए आते जा रहे हैं, क्योंकि काम करने वाली लेबर कम होती जा रही है। आजकल लोग जो है मशीन फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, इसलिए मैन्युअली काम करना हर कोई पसंद नहीं कर रहा। एज अ मैन्युफैक्चरर थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि ये काम आगे सदियों तक चलता ही रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस, हमारे व्यूअर्स ने और हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टीम फॉर सेलेक्टिंग आवर फैक्ट्री टू विजिट एंड टू रीच इट टू द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप जयपुर आते हैं तो सांगानेर की हैंड ब्लॉक प्रिंट इंडस्ट्री को विज़िट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।